भाई साहब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। भाई लास्ट का ब्लॉग जो हमारा वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो उम्मीद है कि मेरे सारे ब्लॉग्स जो हैं वैसे ही अच्छे अच्छे चलते जाएंगे। तो थंबनेल और टाइटल से आप सब लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि हमारा आज का ब्लॉग जो है किस पे होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं सीधा आपसे लोकेशन पर। तो ये खड़ी है अपनी बाइक यहाँ पर और करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट। जब तक ये कोल्ड स्टार्ट होती है तब तक मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने कल अपनी बाइक की चेन क्लीन की थी और मेरे साथ साथ में एक स्कैम भी हो गया। तो ये देख लीजिए, ये जो है मेरी चेन, देख रहे हो इस पॉकेट कितना क्लीन हुआ है चेन का। तो मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, आपने शायद मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो वो जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए उसके बाद हुआ क्या कि मैंने आधी चेन जो है अपनी अभी स्प्रे की थी, मतलब अभी चेन मेरी आधी स्प्रे हुई थी मेरी चेन क्लीन से, और जो बॉटल है वो खाली हो गई। देख लो भाई कैसा स्कैम है, पूरी मैं चेन को बॉटल भी नहीं लगा पाया और चेन खाली, ल्यूब की बॉटल मेरी जो थी वो खाली हो गई स्प्रे, फिर बची मेरे पास ल्यूब। फिर मैंने सोचा भाई चलो ल्यूब को ट्राई करके देखते हैं कि कहीं इसका भी वही हाल ना हो, मगर जो ल्यूब है उसने मेरी जो चेन को वो अच्छा से जो है ल्यूब कर लिया था, उसमें शायद अभी और बचा हुआ है। बट वो जो है स्प्रे जो थी क्लीनर वो ख़त्म हो गया यार, बहुत गंदा स्कैम करते हैं ये ऑनलाइन। तो मैं कहूँगा ऑनलाइन अगर कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हो ना कोई स्प्रे इस टाइप का, तो भाई मत मंगाओ, वो उसके अंदर होता ही नहीं कुछ भी, खाली गैस होती है और ऊपर से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे वापस भी नहीं जाते हैं। तो ये देख लीजिए हमारी जो बाइक है 1900 जो है 18 कुछ ऐसे जो चल चुकी है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे सीधा लोकेशन पे। तो ये हमारी यहाँ पर रही दोनों बाइक्स खड़ी है, मेरी जो है मॉन्स्टर है यहाँ पर और ये रही यहाँ पे भाई की स्टैंडर्ड। तो इन जो दो बाइकें हैं इनका जो है हम कंपेयर करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब जैसे कि हम ये देखेंगे कि किसका इनिशियल तेज़ है। तो समझ लीजिए ड्रैग आप इसको मान के रख लीजिए, प्रॉपर ड्रैग भी नहीं होगी, लॉन्ग भी नहीं होगी, हम ये शॉर्ट में ही करने वाले। हम देखेंगे कि किसका इनिशियल तेज़ है। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको पता ही है, 350 cc का इसमें इंजन है और EFI इंजन अब आता है, और साथ में बाइक की जो टॉर्क है वो 28 Nm है, और जो बाइक की हॉर्स पावर है वो 20 कुछ के आसपास की आती है। बाइक जो है आपको किक स्टार्ट मिलेगी प्योर, जिसमें मतलब जो आपको ज़्यादा पसंद है, इस बाइक में कोई सेल्फ हेल्प नहीं मिलता। और ये इस बाइक का जो है सिंपल सा मीटर है जिसमें आपको यहाँ पर तेल की इंडिकेशंस प्लस यहाँ पर किलोमीटर और स्पीड वीड जो आपको ये बाइक दिखाती है। और रही बात मेरी बाइक की, तो आपको जो इसका पता ही है भाई, मतलब इस बाइक का हाँ, और जो मेन चीज़ इस बाइक का जो वेट है वो 180 के अराउंड पड़ेगा, पर इसमें जो है टॉर्क हमें ज़्यादा मिलती है, और इसका जो बैक टायर है रेयर का वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पतला देखने को मिलता है। और ये जो बाइक है यहाँ पर इसका वेट जो है 140 के अराउंड आपको पड़ता है, और इसकी जो टॉर्क है वो 14.5 के आसपास पड़ती है टॉर्क, और पिकअप जो इसका है BHP है वो 18 कुछ पड़ते हैं। हमारे इसमें जो सबसे स्पेशल और ख़ास बात है वो है इस बाइक का VVA जो इसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल करता है, और ये बाइक है सेल्फ स्टार्ट में आती है, और इस बाइक का जो वेट है वो 140 के अराउंड है। तो चलिए इनका छोटा सा एक कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि किस बाइक का इनिशियल जो है वो ज़्यादा तेज़ है। तो अभी मैं चलाने वाला हूँ पहले अपनी MT, और अपने जो ईशान भाई यहाँ पर जो हमारे दूसरे राइडर खड़े हैं बिजी हैं कहीं फ़ोन में लगे हुए हैं, तो ये चलाने वाले हैं अपनी स्टैंडर्ड। तो इन दोनों का पहले जो हम एक टेस्ट करते हैं भाई किसका कैसा क्या रहने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आपको सीधा अब हम राइड करते हुए। तो अभी दोनों बाइक जो है हमारी खड़ी हो चुकी है, तो तीन हॉर्न मारने पर स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो भैया इसको देते हैं पहले निकलने, और उसके बाद हम निकलेंगे इसके पीछे से भैया। ये देख लो भाई, इसका काम नहीं है भैया, इसका काम नहीं है, लगता है हमें रेस को दोबारा से लंबा करना पड़ेगा। क्या लगता है लंबा करें कि इतना ही है शॉर्ट में ही हैं? क्या करता है लंबा करें कि इतना ही बड़ा है? तो भैया एक शॉट जो हमने इस पे लेके देख लिया, तो अभी देखते हैं कैसा क्या आया होगा। तो अभी मैं जो हूँ अपनी बाइक जो है चेंज करने वाला हूँ, ये चलाने वाला है मेरी MT और मैं चलाऊँगा इसकी बुलेट, तो देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है, चल। तो भाई हमने कर लिए हैं राइडर अप स्विच, मैं चलाने वाला हूँ बुलेट जो कि पूरा हाथी लग रहा है, और भाई अपने चलाने वाले MT। तो देखते हैं अभी जो कौन जीतेगा,
और बाद में बताना भी कैसा क्या लगा तुझे और इसमें, ठीक है? तो तीन हॉर्न मारना, तू मार ले हॉर्न, ठीक है? चल 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 मार ले हॉर्न, एक मिनट गेट डाल ले, चल चल मार हॉर्न। ए भैया भागना, ए भाग भाई भाग। ए यार क्या यार, इतनी कार होने के बावजूद कोई फायदा नहीं हो रहा है, एकदम बेकार है भाई। तीन दिनों में पूरी बाइक खराब कर दी है। नहीं भैया नहीं, नहीं भाई इसका काम नहीं है भाई, उसके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी, उसमें कैसा लगा तुझे? तो चलिए इसको जरा पूछते हैं यहीं पे कि भाई कैसा क्या इसको लगने वाला है। वो देखो किसको बता रहा है, वो भाई क्या चक्का मार रही है। पर इतना ना उसको चलाने में बहुत ज्यादा फर्क है, ये मतलब बहुत ही अजीब लग रही है मुझे। और मैंने देखा ना ये भागती है बाइक यार बहुत, मतलब जो ही इसको हाई गियर में ले लो, मतलब स्टार्टिंग में पंच तो अच्छा देती है, मगर उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा बाइक जो मतलब वाइब्रेशन शुरू कर देती है। तो चलिए इसको करते हैं न्यूट्रल और इससे पूछते हैं भाई कैसा क्या रहा, क्या लग रहा था तुझे? हैं लगा था इस बार जीत पाएगा भाई? वाकई उसकी जो पावर है ना इससे काफ़ी ज़्यादा है, बट इसका क्या है कि टॉर्क बहुत तगड़ा मारती है, मतलब पंच जो ही आप इसको मतलब गियर चेंज करके उठाओगे ना थोड़े से टाइम के लिए तो बाइक बहुत अच्छा करती है, मगर उसके बाद अचानक से बाइक में ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। मुझे तो लगा था शायद मैं जीतूंगा, मैंने कहा मेरा वज़न कम है। इसका वज़न कितना वज़न है? 95 वज़न है इसका, बट तो भी मतलब इस बाइक ने इसको नहीं दिया आगे जाने, और मेरा वज़न है 55-60। तो भाई जैसा कि आपने नतीजा देख ही लिया कि उसके साथ इसका नहीं होने वाला है कोई कंपेरिजन, बट हो सकता है कि अगर लॉन्ग रेस हो शायद ये आगे चले जाए, क्योंकि तो अभी हमने जो है काफी दिन पे उस पर मारे थे, उस पर काफी इजिली लग रहे थे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बाद बर्नआउट, हल्का सा जो टायर मतलब ठीक घूम रहा था। तो अब चेक करते हैं बुलेट पे भाई, इस पे जो अपना टायर है वो कैसा क्या घूमने वाला है यहाँ पे। तो चलिए मारते हैं इसको, ट्राई बाइक करते हैं, पहले स्टार्ट अपनी और देखते हैं इसका टायर घूमता है कि नहीं घूमता है। चल कर ले स्टार्ट। क्या भाई घूम रहा था, एक ट्राई और दे। तो चलिए अब करते हैं सेकंड अटेम्प्ट दोबारा से, पहले वाला जो था काफी जबरदस्त रहा, इस वाले को काफी लंबा करेंगे। भाई बोल रहा था कि बाइक हीट होने से बंद हो जाती है, तो चलिए देखते हैं होती है कि नहीं होती है। ओ भाई साहब बाइक छूट गई थी भाई, काफी तगड़े वाले बर्नआउट लग रहे हैं, लुक पे मचेगा। तीसरा अटेम्प्ट स्टार्ट, देखते हैं ब्लैक टॉप पे हो पाता है कि नहीं होता है हमसे। चल देख ले, ग्रैबर एंगल पकड़ लेना, ठीक है? ओ भाई ये बाइक को आगे बच जाएगा टायर, चल देख ले। मारना और मार, ओ भाई साहब भाई जबरदस्त यार, जबरदस्त। तो भाई बड़ा है आज के लिए इतना सा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।